खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाने की किस्में तरह तरह की होती हैं और उसके अंदर ऐसा होता है आजकल कि बिना तेल का खाना, कम तेल का खाना, बिना चीनी का, कम चीनी का, लो कार्ब, हाई फैट, नहीं हाई फैट तो नहीं होता, लो जीआई, जी हाँ, तरह तरह के खाने होते हैं। अब उसके अंदर खाने में क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए समझ नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ये वाला तेल खाएँ, वो वाला ना खाएँ, कैसे खाएँ, कब खाएँ, सुबह खाएँ, पानी साथ में पिएँ या ना पिएँ, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन मैंने एक चीज़ बीच में बोली, लो जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाला खाना कौन सा होता है, कैसे होता है, कैसे अच्छा हो सकता है, वो बताएंगे आज के पूरे एपिसोड में। ध्यान रखिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं एक रेसिपी से, और हरे जो मूंग है इसको पानी के अंदर भिगो के रखें और उसके बाद इसे उबाल लेना है, और उबाल कर इसे बस इतना पकाना है कि ये पक जाएं, गल जाएं। हमने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने की बात की, अब उसकी खासियत क्या होती है? भाई खासियत ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे ब्रेक होते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उस केस में कम रहता है, और ऐसा माना जाता है कि ऐसे खाने जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे जीवन के लिए आयु ज़्यादा बढ़ती है। और जितनी रिफाइंड चीज़ें हैं वो खास तौर से जो कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड वाले हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। अब जैसे अगर आप देखें वाइट ब्रेड है, मैदे वाली चीज़ें हैं, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर जाएगा। सबको पता है कि मैदे से आटा ज़्यादा अच्छा होता है, वैसे ही वाइट राइस के मुकाबले ब्राउन राइस, दालें भी जो हैं खास तौर से होल दालें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और ख़ास तौर से कुछ खटाई डाल दी जाए, विनेगर, नींबू, उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम आ जाता है। वैसे तो फैट भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, क्योंकि इसको ब्रेक करने में समय लगता है तो लोअर करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो इसमें ऑयल डाला है हमने। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टेस्ट, स्वाद, और ये स्वाद के लिए तड़का इसमें लगाते हैं हम, और ये तड़का लगाएंगे हम मस्टर्ड, हींग, जीरा और मेथी दाना, थोड़ी लौंग, और इसके साथ साथ दालचीनी, ये सारी चीज़ें डाल दी। और अब क्या करना है, अब इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ डालनी है, और वो है हरा लहसुन। ये देखिए हरा लहसुन, ये थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ। अब इसमें हम डालते हैं बेसन, ये लीजिए, और बेसन को इसके साथ भूनना है हमने। अब ज़रा इसे खट्टा बनाने के लिए चाहिए टमाटर, ये टमाटर, बस ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, इस तरह से काट लिया। चलिए टमाटर हो गए, और ये भी बढ़िया क्रिस्प थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मुझे डालना है अदरक का पेस्ट, उसके साथ साथ हरी मिर्च का पेस्ट, हाँ, ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब टमाटर इसके अंदर, टमाटर डाल दिए, आंच करी तेज, सब चीज़ों को जरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये कर लिया मिक्स। और अब ये जो हमारे पास है मूंग, ये लिए, ये इसके अंदर, और नमक, नमक के साथ साथ नींबू का रस, सब चीज़ों को जरा पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और पूरी तरह से ये जब मिक्स हो जाए फिर इसे परोसेंगे। खासियत इसकी ये है कि ये जब ठंडे भी हो जाते हैं तब भी उतने टेस्टी लगते हैं, एकदम चाट जैसा टेस्ट आता है, गार्लिक दिखता नहीं है लेकिन है ढेर सारा। बस ध्यान रखें नींबू में कंजूसी ना करें, और उसके बाद इसका मज़ा लें। मेरे तो अभी मुँह में पानी आ रहा है, क्या करूँ, थोड़ा सा तो खा के देखना ही पड़ेगा कि कैसा स्वाद है। वाह, खाने के बाद में वैसे तो बचते नहीं है, बच जाएं तो इसके अगले दिन ग्रिल सैंडविच बनाएं। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रीकैप।
खट्टा मूंग विद ग्रीन गार्लिक के लिए हमें चाहिए एक कप साबुत मूंग पानी में भीगी हुई, 10 डंडिया जड़ के साथ हरे लहसुन की, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा छोटा चम्मच राई, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 4 लौंग, 1 चिकड़ा दालचीनी का, 3 छोटे चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, 2 टमाटर कटे हुए नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1 डंडी हरे प्याज की पत्तियां कटी हुई। इसे बनाने के लिए साबुत मूंग को 2.5 कप पानी में डालकर 4 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पका लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें राई, हींग, जीरा, मेथी दाना, लौंग और दालचीनी डालकर भून लें। अब हरी लहसुन डालकर भूने, इसमें बेसन डालकर करीब 2 मिनट तक और पका लें। इसके साथ इसमें अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर, मूंग दाल, नमक और नींबू का रस डालकर कुछ देर तक और पकाएं। इसमें हरी प्याज की पत्तियां डालकर सजाएं और सर्व करें।